उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ तो गरीब असहाय लोगों की मदद का बीड़ा उठाए हुए है, तो वहीं स्थानीय पुलिस सरकार को बदनाम करने के लिए दबंगों से मिलकर पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित कर रही है। फरुखाबाद पुलिस की गुंडई इतनी बढ़ गई है कि प्रशासन के किसी भी आदेश को किनारा कर अवैध कब्जा करवा कर पैसों का लेन देन करने में मस्त हो गई है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल तस्वीरों में पुलिस द्वारा दबंगों से सांठगांठ कर पीड़ित महिला को जबरदस्ती खींचा जा रहा है और महिला कांस्टेबल के द्वारा पीड़ित महिला के साथ मारपीट की जा रही है। जब मीडिया द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया तो पुलिस का बचाव करते हुए उच्चाधिकारी पुलिस के साथ खड़े हो गए और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर पीड़ित महिला पर ही आरोप लगाने लगे, जबकि वीडियो में खुलेआम देखा जा सकता है कि पुलिस किस तरह से गुंडई पर उतारू है। महिला तो हो रहे निर्माण को रोकने के लिए एक स्थान पर बैठी है, तभी दरोगा अभय प्रताप और महिला कांस्टेबल अपना आपा खो देते हैं और उसको खींचकर ले जाने के बाद उसके साथ जमकर मारपीट की जाती है। इससे साफ पता चलता है कि स्थानीय पुलिस के साथ साथ अधिकारी भी दबंगों के आगे नतमस्तक हैं, जिससे पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जबकि एसडीएम सदर ने दिनांक 6/11/2020 को फतेहगढ़ कोतवाल को आदेशित किया था कि न्यायालय में वाद विचाराधीन है, इस भूखंड पर कोई भी नया निर्माण नहीं किया जाएगा, जबकि पुलिस के साथ मिलकर दूसरे पक्ष ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया और महिला उस निर्माण कार्य को रोकने के लिए पहुंची तो पुलिस ने पीड़ित महिला के साथ मारपीट की। कोतवाली फतेहगढ़ भकरामऊ क्षेत्र में रामोतार व रामतीरथ सगे भाइयों में जमीनी विवाद था, जिसमें एसडीएम सदर के आदेश अनुसार दिनांक 29/9/2020 को कानूनगो विजय कृष्ण पाठक, स्थानीय लेखपाल गौरव अग्निहोत्री, लेखपाल राजेश शुक्ला, लेखपाल प्रमोद मिश्रा व पुलिस टीम के प्रभारी एसआई अभय सिंह मौका स्थल पर पहुंचे। वहां पर राजस्व टीम द्वारा नापतोल करके चिन्हांकन कर दिया गया। इसके बाद पुलिस और राजस्व टीम वापस आ गई। दिनांक 4/10/2020 को रामतीरथ अपनी जगह पर निर्माण कर रहा था, तो उसके भाई रामोतार व उसके परिवार वालों ने वहां पर निर्माण रुकवाने का प्रयास किया। रामतीरथ ने थाने पर आकर शिकायत की। मौके पर एसआई अभय सिंह महिला कांस्टेबल में अभराई के साथ में गए, वहां पर विवाद को शांत किया। वे जो रामतीरथ के निर्माण स्थल पर रामोतार के परिवार की जो महिला थी उसके द्वारा उसको महिला पुलिस द्वारा वहां से हटाया गया और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापिस आ गए। एक चैनल पर जो पुलिस की दबंगई और मनमानी का जो दिखाया गया है वो निराधार है। मेरा नाम आकाश है। आकाश कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं जैनबी रोड भकराव फतेहगढ़ में। क्या घटना हुई आपके जमीन? हमारे साहब मेरी जो जमीन थी प्रति जमीन थी जो थी मेरे बाबा ग्राम की, तो उसमें कि मेरे पापा ने जमीन थोड़ी बेची थी, तो उसमें जो मेरी बच्ची बची हुई है उस पर जो मतलब मेरे ताऊ रामतीरथ और उनके दामाद राजवीर साग के वो लोग कब्जा कर रहे हैं उस पर। जब मैंने उन्हें कब्जा करने को रोका तो उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस ने मेरे संग मारपीट की, मेरे भाभी को भी मारा जो आप देख चुके हैं वीडियो में। तो पुलिस ने भी मतलब बेरहमी से इनको पीटा, उनको मतलब हाथ उठाया, उनको मारा उनको। कौन थे पुलिस वाले? पुलिस सर एक दरोगा साहब थे अभय सिंह और उनके साथी थे कॉन्स्टेबल और लेडीज पुलिस ऑफिसर थी। जो अभय सिंह कहाँ तैनात है सर? फतेह कोतवाली में सर है ये। अजय साहब के अजय जी कहाँ रहते हैं और आपके साथ क्या घटना हुई? मैं जैनबी रोड भकराऊ में रहता हूँ और मेरी पैतृक जमीन जो बाबा की थी उसमें पापा ने कुछ ज़मीन मेरी बेची थी और उसमें मेरी 13 बीसें ज़मीन बाकी है। उस ज़मीन पे ताऊ और उनका दामाद राजवीर कब्जा कर रहे हैं और जब हमने रोका तो उन लोगों ने मारपीट की और पुलिस बुलाई, तो पुलिस भी उन्हीं के पक्ष से कब्जा कराया पुलिस ने भी। कौन थे पुलिस वाले? कहाँ तैनात था? ये अभय सिंह था और उनके संगी साथी थे और वो इस समय कोतवाली फतेहगढ़ में है। अभय सिंह कौन है? अभय सिंह दरोगा। कहाँ तैनात है? ये फतेहगढ़ कोतवाली। और आपने कहाँ कहाँ कार्रवाई की है अभी तक? ये हमने सिविल कोर्ट में भी मुकदमा डाला है, रेनबो कोर्ट में भी मुकदमा डाला है, स्टे भी ले चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हो पा रही है। हर जगह क्या अधिकारी से ऊपर पुलिस हो गई क्या? अब ये तो
पुलिस ही समझ सकती है कि शायद अधिकारी से ऊपर पुलिस हो गई हो। मेरा नाम शिवेंद्र मिश्रा एडवोकेट। आपके क्लाइंट हैं जी, जी तो इनके साथ तो मारपीट हुई, पुलिस ने की है, क्या है पूरा मामला? सर एक जमीन है दो भाइयों की, जिसका अभी बंटवारे का एक सूट उप जिला मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ विचाराधीन है, और उस पर जो है दो बार पहले भी रोक लग चुकी है, और 6 तारीख को पुनः भी SDM सदर द्वारा ये कहा गया कि वहां पर विवाद ना हो, अभी भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ है तो वहां रोक लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी वहां जो है जो स्थानीय लोकल पुलिस है वो अपना साठ गांठ करके वहां पर आए दिन इन लोगों को प्रताड़ित कर रही है। वहां पर एक महिला जिसका कि गेट है और जमीन भी उन्हीं की है, उसके बाद उसे महिला कांस्टेबल और अभय सिंह जो दरोगा जी हैं फतेहगढ़ कोतवाली के, उन्होंने उसको महिला के साथ गाली गलौज और अभद्रता की, और उसके साथ जो है छेड़खानी और मारपीट करने का पूरा प्रयास किया है इसमें, और जबकि न्यायालय से ऊपर ये नहीं है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है वहां पर निर्माण कार्य रोकने का, उसके बावजूद भी ये आए दिन इनका वहां आना जाना लगा हुआ है।